गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज से घर। तो आज मैं आपको मिलाना चाहूँगी कि मेरे साथ कौन कौन है। एक पर्सन है जो कि कभी बस स्टैंड नहीं आती है, उसे सीट मिले चाहे ना मिले। ये है श्रद्धा, से तो आप जानते होंगे। एंड ये नेहा दीदी जो कि सूट में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हुए हैं। एंड श्रद्धा को आप देख सकते हो, ये काफ़ी कमज़ोर हो गई है गाइस, देख सकते हो आप। देख सकते गाइस, कमज़ोर। हम आए रेलवे स्टेशन से नीचे को, वहाँ से यहाँ से छोड़कर रास्ता है। बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे न्यू बस स्टैंड को आने को। चिल्ड्रन पार्क से भी आ सकते हैं, मतलब नीचे से आईटीआई से। और तो हम इधर की साइड से आए। नेहा दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं सूट में। एंड इस खोपे को तो आप जानती होगे। इसने नेहा दीदी का बैग उठाया है। एक्चुअली इसका बैग मेरे पास, ये देख सकते हो आप, थैल टू, श्रद्धा का थैल टू देख सकते हो आप। तो आपकी धूप कितनी लगी है और हम इतनी धूप में संघर्ष करते हुए। एक्चुअली हमारी क्लास हो गई थी, कितने तक हो गई थी नेहा दीदी? हमारी 2:40 तक क्लास हो गई थी, तो हम जल्दी से आ गए थे। अरे क्योंकि हमें आजकल बस में सीट नहीं मिलती है, काफ़ी बच्चे कॉलेज के इस बार। एंड श्रद्धा तो वापस चली जाती है दिन वाली बस में, पर ये आज पता नहीं कैसे इसके दर्शन हुए गाइस। कल भी देख सकते हो आप, धूप में काली हो गई है, ब्लैक ब्लैक नहीं। और श्रद्धा की तो फेस पे पिंपल हो गए गाइस, इसके लिए कोई दवाई बताओ आप। देख सकते हो आप न्यू बस स्टैंड का व्यू। ये पार आपको पता होगा आर्मी एरिया, मुझे आर्मी एरिया ही पता है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता है। एंड हम पहुंच गए हैं न्यू बस स्टैंड। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड। तो हम यहाँ से बस लेके, एक्चुअली हमारी एक क्लास होती नहीं है ना आजकल, तो हम जल्दी छूट जाते वरना हम नहीं छूटते। ये है न्यू बस स्टैंड, आप देख सकते हो। एंड हमारी बस भी लग गई है, तो अब हम चलते हैं। हाँ यही, आ जा तू तो।